हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने सेकंड हैंड आईफोन्स कहाँ से खरीद सकते हैं, कौन सी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में हमें कैसे किन शॉप्स के ऊपर सेकंड हैंड आईफोन बेस्ट प्राइजेस के ऊपर मिल सकते हैं। चलो गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर आई एम हैविंग जस्ट, मेरे पास काफ़ी सारे आईफोन्स हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे हैं। 6, 7, 8 नहीं है, 10, बाकी 11 भी है मेरे पास, 12 नहीं है, 13 एंड XR भी है एंड XS भी है। सो जैसे कि गाइज आप देख सकते हो, ये जस्ट मैंने सारे के सारे नए बाय नहीं किए हैं, सेकंड हैंड बाय किए हैं इनमें से कुछ आईफोन्स। सो कुछ तो मेरे पास डबल या ट्रिपल टाइम्स हैं, जैसे कि 6S मेरे पास 3 हैं। सो बेसिकली गाइज आज बात करेंगे कि ये मैंने फ़ोन्स जो हैं कहाँ से बाय किए हैं, और 7 भी मेरे पास 2 मॉडल्स हैं, 7+1 है, और 10 भी मेरे पास 2 हैं। तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हो, अब मैं बात करूँगा कि सबसे पहला जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ जो सेकेंड हैंड फ़ोन बाई करने के लिए, वो कौन सी एप्लीकेशन है, वो है गाइज OLX। जैसे कि गाइज आप देख सकते हो, मेरे फ़ोन में हमेशा ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगी। जस्ट एक तरह से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली कभी भी इतनी जल्दी फ़ोन परचेज़ नहीं करता, क्योंकि आई एम हैविंग नंबर ऑफ़ फ़ोन्स, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट किसी ना किसी डील की ध्यान में रखता हूँ कि कोई ना कोई मुझे डील बढ़िया मिले तो मैं फ़ोन परचेज़ करने जाऊँगा। और मान लो कि जैसे ये आईफोन X, यहाँ पर मैंने जस्ट आईफोन सर्च किया तो मुझे ये जो भी डील्स चल रही हैं लेटेस्ट वाली, मुझे सर्च रैंक में दिख गई हैं। और अब यहाँ पर ये आईफोन 16,000 में पड़ा है, 64GB वाला 10 मॉडल है, और यहाँ पर इसकी कंडीशन देखें तो बैक ग्लास कैमरे के साइड से थोड़ा सा क्रैक्ड है, एंड बाकी नॉर्मली यहाँ पर X सीरीज़ का वॉलपेपर है। अगर यहाँ पर आईफोन 10 है तो इसमें जो है नया जो है इसे अपर मॉडल वाला वॉलपेपर लगाया गया है। सो जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलो इसकी एड रीड करते हैं। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, फ़ोन यहाँ पर इसने लिखा है कि फ़ोन आउट ऑफ कंट्री का है, इंडिया का नहीं है, एंड अर्जेंट सेल उसे करना है, एंड लास्टली फेस ID नॉट वर्किंग है, और बैटरी उसने चेंज करवा रखी है, जो कि उसने कंपनी से चेंज करवाई है 4500 की। और यहाँ पर उसने अपना नंबर नीचे प्रोवाइड किया है, जो कि अगर कोई यूज़र इंटरेस्टेड वन है सो वो कॉल कर सकता है इस यूज़र को। एंड सेकेंडली गाइज, इस फ़ोन में हमें जो है सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, एक तो बैक में क्रैक है, सेकेंडली ये यूज़र बोल रहा है कि बैटरी चेंज है, जो कि कंपनी से करवाई है। यहाँ पर मैं इससे 10% भी एग्री नहीं हूँ इस यूज़र से कि ये बैटरी जो है कंपनी से चेंज नहीं हुई होगी। सेकेंडली गाइज, इसकी फेस आईडी नहीं चलती है, और मे बी इसमें डिस्प्ले भी रिप्लेस्ड हो। सो आपको जो है इस फ़ोन को बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फेस आईडी नहीं चल रही। सो यहाँ पर हमें जो है डिस्प्ले, बैटरी और फेस आईडी को देखना है, ये तीनों चीज़ों चलती होनी चाहिए, बाकी फिर हमारी जो 20,000 भी इसके लिए पे करना वर्थ रहेगा। सो आपको जो है, अगर आपको कोई वॉच बाय करनी है, मतलब इस तरह की चीज़ें बाय करनी है, स्पेशली कोई दूसरा फ़ोन परचेज़ करना है, जैसे कि मैं आईफोन 7 सर्च करता हूँ, सो 7 को बाय करने के लिए आप देख सकते हैं 13,000 इसकी जो है प्राइसिंग चल रही है। सो आपको जो है अपने हिसाब से इसकी बार्गेनिंग करके प्राइस की नंबर वगैरह यूज़र से लेकर आपको जो है फ़ोन परचेज़ करना है। सेकेंडली गाइस बात करें, अगर आपको पूरा वैल्यू फॉर मनी जो है, आपको एक तरह से गारंटी वाला फ़ोन चाहिए, सो आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है टू गुड, आपको उस वेबसाइट पर भी सेकेंड हैंड आईफोन्स या फिर रिफर्बिश्ड आईफोन्स मिल सकते हैं। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, टू गुड की वेबसाइट पर आप अगर फ़ोन परचेज करने जाओगे, अगर आप कोई भी फ़ोन सर्च करते हो, मान लो मैं आईफोन सर्च करता हूँ, सो आपको जो है इसकी कंडीशन के हिसाब से प्राइस बता दिया जाएगा, कौन सा फ़ोन रिफर्बिश्ड है, कौन सा फ़ोन मतलब नॉर्मली आपको किस कंडीशन में मिलने वाला है। सो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इस वाली वेबसाइट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, गो टू फ्लिपकार्ट वेबसाइट, एम साइट और ऐप, फिर आपको ये जो है फ़ोन वगैरह सर्च करने हैं। सो अगर आप अपने फ़ोन को बेचना चाहते हो, सेकेंड हैंड आईफोन को, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जो है अपना फ़ोन जो है बिक भी जाएगा कैशिफाई। जैसे कि गाइज आप देख सकते हो, कैशिफाई.in जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर अपने पुराने फ़ोन्स, लैपटॉप, कार, TV वगैरह या टैबलेट्स वगैरह पुराने सेल कर सकते हो, ईयरबड्स वगैरह, वॉचेस वगैरह। सो आपको ये जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है प्रोवाइड कर देगा, और बाकी आप अपने हिसाब से जो है, अगर आपको वेबसाइट के ऊपर फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करके आपको जो है इसकी बेटर डील मिल सकती है आपके पुराने प्रोडक्ट्स की। सो ये हैं आपको तीन चीज़ें कि जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, वो है OLX, एंड सेकेंडली आप टू गुड या फिर कैशिफाई से भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो आप कैशिफाई.in वाली वेबसाइट पर सेल कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है। सो यहाँ पर इन दोनों वेबसाइट्स के रिव्यूज़ काफ़ी सही हैं, दैट्स वाई मैंने आपको ये रिकमेंड किए हैं।
सो आई होप गाइज आपको जो है इन वेबसाइट्स के ऊपर फ़ोन अगर आप परचेज़ करने जा रहे हो सो थोड़ी बहुत पहले इन वेबसाइट के बारे में जानकारी ले लें, और सेकेंडली अपने प्रोडक्ट को बाय करने समय या फिर बाय करने से पहले एक बार ध्यान से देख लें उस वेबसाइट पर जो मेंशन है वो ध्यान से पढ़ लें। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।